बिहार के मोतिहारी में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा शाश्वत यौगिक खेती का अभियान शुरू किया गया है। लॉकडाउन के बीच उनका यह अनूठा प्रयास लोगों में काफी सराहना का केंद्र बना हुआ है। पड़ोसी जिले पश्चिम चंपारण के कई जिलों में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा यौगिक खेती की जा रही है। बेतिया सेवा केंद्र प्रभारी बी के अंजना बहन सेवा केंद्र के बड़े भूभाग पर यौगिक खेती के इस अभियान को हवा दे रही हैं। इस खेती से रासायनिक खाद का उपयोग ही नहीं किया जाता है, बल्कि भारत के प्राचीन खाद्य निर्माण विधि के द्वारा खाद तैयार कर प्रयोग में लाया जाता है। ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा खेत में सामूहिक योग का प्रतिकंपन भी किया जाता है। फसल को दिया जाता है प्रतिकंपन और लिहाजा उन्नत फसल लिए जाते हैं। इसका परिणाम जो आया है वह काफी चौंकाने वाला है। ए टू जेड न्यूज लाइव संवाददाता ने इस बाबत खबर दी है कि इस विधि से उत्पादित फसलों का वजन दुगुना हो जाता है। रासायनिक खाद से मुक्त यह उत्पादन होता है जो शरीर के लिए भी काफी लाभप्रद होता है। मैं बीके सत्यनारायण भाई कटिहार जिले के कढ़ागोला के निवासी हैं और बिहार के रहने वाले हैं। हम शाश्वत यौगिक खेती वैसे तो 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत वृहद पैमाने पर हम खेती कर रहे हैं, जिसका अवलोकन हम उधर से दिखा रहे हैं आप सबको। शाश्वत यौगिक खेती का मकई में बाली आ चुका है और ये भी मकई है, ये सब भी देख रहे हैं कि शाश्वत यौगिक खेती का है। और हमें प्रशिक्षण जो है नरकटियागंज के अविता बहन ने मुझे प्रशिक्षण दी और समय समय पर हमें मार्गदर्शन देती रहती है। मोतिहारी में प्रवासी मजदूरों की भूखमरी के हालात पर ढाका के विधायक ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। हमारे संवाददाता नरेंद्र झा ने खबर दी है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र के मजदूरों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है, इसके खिलाफ अनशन शुरू की गई है। बताया जाता है कि क्वारंटाइन सेंटरों पर कुव्यवस्था फैला हुआ है, मजदूरों को भोजन नहीं मिल रहे हैं, भोजन के लाले पड़े हैं, लिहाजा इसके खिलाफ विधायक ने आज से अनशन शुरू किया। कुव्यवस्था पर ढाका के विधायक फैसल रहमान काफी मर्माहत हैं। अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का शंखनाद किया है। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठकर उन्होंने कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। लॉकडाउन के कारण वाहनों के परिचालन बंद होने से दूर दराज के मरीजों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा डॉक्टरों को कहा गया है कि समय पर नर्सिंग होम तथा क्लिनिक खोलें और मरीजों की सुविधा को बरकरार रखें। इस विषय पर जिले के विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार दिए हैं, कई लोगों ने कई बातें कही हैं। ए टू जेड न्यूज लाइव संवाददाता अशोक वर्मा इन लोगों से बातचीत की, देखिए कि किसने क्या कहा। असहाय लोगों को, जरूरतमंद लोगों के बीच चावल दाल आलू नमक सब्जी ऐसे सामान का वितरण लगातार 8 तारीख से कर रहा हूँ, 8 अप्रैल से। जैसे कि मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अपने स्तर से कोरोना वायरस से लड़ने में हमारे देश की जितनी भी चिकित्सक हैं अपनी ताकत लगाए हुए हैं। इसी बीच में जो भी निजी हॉस्पिटल देश के अंदर, समाज के अंदर, गांव के अंदर बड़े बड़े निजी हॉस्पिटल खोले हुए हैं, जो बंद हैं उनमें जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े ख्याति प्राप्त करके उच्च उच्च डिग्रियाँ लेकर के अच्छे ज्ञान लेकर के घर में कैद हैं, सरकार का इशारा हुआ है वो अपने क्लिनिक खोले, लेकिन यह निर्दयी सरकार क्लिनिक खोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन गाड़ी, निजी गाड़ी जो हम ले कर नहीं जा सकते हैं, आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी स्थिति में अपने मानवता के परिचय देना चाहिए। डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, जिला महामंत्री भाजपा मोतिहारी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक महामारी कोरोना में देश में अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जनता के हित में अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लॉकडाउन 4 में राज्यों को यह अधिकार दिया है कि जनता के सहूलियत के हिसाब से उनको अधिक से अधिक सेवा देने के दृष्टिकोण से अपना लॉकडाउन में जो दुकान बंद है, क्लिनिक बंद है या और सब चीज़ें बंद है,
उसमें वो अपने हिसाब से सहूलियत दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं।